हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुशांत सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा एंडोजेनिक प्रोसेस, यानी कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ। एंडोजेनिक प्रोसेस कौन सी होती है? हमारी इंटीरियर, यानी कि जो हमारी अंदर की फोर्सेज होती है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इसलिए मैंने लिखा है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंदर की जो फोर्सेज हैं। तो बेसिकली जो हमारा चैप्टर है जियोमॉर्फिक प्रोसेस, जैसे मैंने लास्ट कुछ वीडियोस में इंट्रोडक्शन वीडियो से मैंने शुरुआत करी थी और उसके बाद फिर मैंने अगली वीडियो में जियोमॉर्फिक प्रोसेस को थोड़ा सा डिटेल में अच्छे से समझाया था। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस में क्या होता है, बेसिकली दो फोर्सेस काम करती है, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। तो ये वाली जो वीडियो है इसमें हम लोग अच्छे से समझेंगे हमारी एंडोजेनिक प्रोसेस के बारे में, यानी कि जो एंडोजेनिक फोर्सेस है, जो प्रोसेस है, ये कैसे काम करता है, किस तरीके से करता है। ठीक है, तो एंडोजेनिक यानी कि इंटीरियर, यानी कि अर्थ के अंदर से जो फोर्सेस लग रही हैं और उसके चलते हुए किस तरीके से हमारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं, यानी कि जो क्रस्टल प्लेट है हमारी, लिथोस्फेरिक स्लैब है, वो कैसे फॉर्मेशन होता है उसका। तो ये सारी चीजें तो वैसे तो हम प्लेट टेक्टोनिक्स में भी हमने पढ़ा था, वोल्केनो वाले जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ हमारा उसमें भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो उस चीज अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, तभी आप लोगों को ये चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। तो वो सारी चीजें मैंने उसमें समझा दी थी। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ, तो हमारी अर्थ क्या है, अंदर अंदर से कोई खोखली तो है नहीं, अर्थ में काफी सारी चीजें हैं, मोल्टन मैग्मा है, मिनरल्स हैं, तो उन्हीं सारी चीजों का है और कई सारी लेयर्स हैं। तो उन्हीं के चलते हुए जो मोल्टन मैग्मा है वो जो खोलता रहता है हमेशा, तो वो क्या करता है, कन्वेंशनल करंट्स भेजता है, हीट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं और इन्हीं की वजह से क्या होता है, हमारा मूवमेंट होता है। तो बेसिकली जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या है, मूवमेंट हो रहा है, उस मूवमेंट के चलते हुए जब कोई चीज बदलती है, कोई नई शेप आती है, कोई फॉर्मेशन होता है या कोई डिस्ट्रक्शन होता है, इसी को जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहते हैं। तो अब हम इसको समझेंगे कि हमारी जो एंडोजेनिक प्रोसेस है किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सो द एनर्जी इमेनेटिंग फ्रॉम विद इन द अर्थ, यानी इमेनेटिंग मतलब निकल के बाहर आना, अर्थ के अंदर से ही एनर्जी रिलीज हो रही है। कैसे हो रही है, तो वो जो मेन फोर्स है विच इज जनरेटेड बाय रेडियो एक्टिविटी, रोटेशनल टाइडल फ्रिक्शन और प्रीमोर्डियल हीट। अब ये रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, जब हीट प्रोड्यूस हो रही है, मोल्टन मैग्मा खोल रहा है, उससे क्या हो रहा है, हीट जनरेट हो रही है, तो उससे एनर्जी रिलीज होती है। रोटेशनल, जो हमारी अर्थ घूम रही है, और फिर टाइडल फ्रिक्शन होता है हमारा, अब ये आगे अभी हम पढ़ेंगे सी वाले चैप्टर में। टाइडल फ्रिक्शन बेसिकली क्या होता है कि अर्थ को जब ग्रेविटेशनल पुल से खींचा जाता है, मून और सन जब एक लेयर में आ जाते हैं, तो दिन में दो बार ऐसा होता है कि समुद्र की लेयर्स अप एंड डाउन होती है, उसी को टाइडल फ्रिक्शन कहते हैं हम लोग। ठीक है, ये आगे पढ़ाऊंगा मैं, आगे टॉपिक आएगा हमारा। और उसके बाद आता है हमारा प्रीमोर्डियल हीट। प्रीमोर्डियल हीट हो गई, यानी कि अर्थ क्या है, हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना फॉर्मेशन ऑफ अर्थ में, किस तरह से अर्थ बनी, आग का खोलता हुआ गोला था, फिर धीरे 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 ठंडा होता है, तो अंदर तो आग अभी हीट गर्म है ना। जैसे मान लीजिए एक एग होता है, उबला हुआ एग होता है, आप उसको बाहर से खोलोगे, तोड़ोगे, तो जब फोड़ोगे तो अंदर से हीट निकलती है ना, तो ठीक उसी तरीके से वो प्रीमोर्डियल हीट होती है, जो हीट रिलीज हो रही है, जिसकी वजह से हमारी जो प्लेट्स है वो मूव करती है, उससे क्या होता है, हमारा फॉर्मेशन होता है किसी भी चीज का, या फिर मैं वोल्केनिज्म की बात करूं तो क्या होता है, अर्थक्वेक आता है, वो सारी चीजें होती हैं। तो जो मेन जो इसमें प्रोसेस है ना कि एंडोजेनिक प्रोसेस के, तो वो होते हैं डायट्रोफिज्म रिस्पॉन्सिबल, मतलब जो प्रोसेस होता है इसमें, इनके चलते हुए रिस्पॉन्सिबल क्या है, डायट्रोफिज्म और वोल्केनिज्म होता है, जो अभी मैंने बात करी लिथोस्फेयर में। तो डायट्रोफिज्म और वोल्केनिज्म क्या है, तो लास्ट वीडियो में ही मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। और बट एंडोजेनिक प्रोसेस इज नॉट यूनिफॉर्म एंड दैट्स व्हाई अर्थ सर्फेस इज अनइवन। अर्थ सर्फेस इज अनइवन मतलब ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है या इनकी जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, ये अनइवन है, यूनिफॉर्मली कंसिस्टेंटली नहीं हो रही, कहीं पे ज्यादा हीट, कहीं पे कम हीट, कहीं पे ज्यादा फॉर्मेशन कुछ हो रहा है, तो उसके चलते हुए हमारा जो लैंडमास है वो एक यूनिफॉर्म नहीं है, अनइवन है, कहीं पे माउंटेन्स है, कहीं पे लैंड है। क्यों? क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि अगर जो प्लेट्स हैं जो मूव कर रही हैं, वो जरूरी तो नहीं है कि हर जगह एक जैसा फॉर्मेशन बने, कहीं पे माउंटेन्स बनाएंगे, कहीं पे प्लेट्यू बना देगा, तो अलग अलग तरीके का फॉर्मेशन है, इसलिए हमारी लैंड जो है वो अनइवन तरीके से बटी हुई है, कहीं पे माउंटेन, कहीं पे लैंड, कहीं पे कॉन्टिनेंट। जो हमारी क्या कहते हैं क्रस्टल प्लेट होती है वो थिन होती है, मोटी होती है, जो कॉन्टिनेंटल प्लेट मोटी होती है और क्रस्टल प्लेट है वो पतली, सॉरी समुद्र वाली जो प्लेट होती है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तो जैसे मैंने पढ़ाया था ना आप लोगों को कि मान लीजिए ये हमारा कॉन्टिनेंट है, नीचे आके समुद्र है, तो जो ये कॉन्टिनेंट की प्लेट है ये मोटी होती है और ये वाली हमारी पतली होती है प्लेट इसके मुकाबले, है ना, तो वो उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो अनइवनली है हमारा सारा का सारा लिथोस्फेयर प्लेट।
उसके बाद आते हैं हमारा डायट्रोफिज्म क्या होता है। देखिए अब बताऊंगा, तो डायट्रोफिज्म बेसिकली क्या है, ऑल प्रोसेस दैट मूव एलिवेट और बिल्ड अप पोर्शंस ऑफ द अर्थ क्रस्ट कम अंडर द डायट्रोफिज्म। अब यहां से शुरुआत होती है, हमारे बेसिक एंडोजेनिक प्रोसेस है। एंडोजेनिक प्रोसेस क्या होता है वो मैंने आपको बताया, किस तरीके से होता है वो भी मैंने आपको बताया। इस प्रोसेस के चलते हुए तो वो जो मॉर्फिक होता है, जियोमॉर्फिक पढ़ा था ना, मॉर्फिक यानी शेप लेना, किसी चीज का फॉर्मेशन होना, तो वो जो फॉर्मेशन हो रहा है वो किससे हो रहा है, वो होता है डायट्रोफिज्म। डायट्रोफिज्म मतलब किसी भी चीज का बनना, कोई भी चीज का बनना, जब इस पूरे प्रोसेस के चलते कोई भी चीज बनती है उसको हम डायट्रोफिज्म कहते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है ना, ऑल प्रोसेस दैट मूव एलिवेट और बिल्ड, एलिवेट और बिल्ड अप अ पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट कम अंडर डायट्रोफिज्म में आता है वो सारी चीजें। अब क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, तो डायट्रोफिज्म में देखिए चार प्रोसेस है इसमें, ओरोजेनिक प्रोसेस, एपियोरोजेनिक प्रोसेस, बुक में दिया हुआ है ये, अर्थक्वेक और प्लेटेक्नोटोनिक्स। प्लेटेक्नोटोनिक और अर्थक्वेक तो वैसे भी मैंने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ाया था, ठीक है। पहले मैं इन दो टॉपिक्स मतलब इन दो पॉइंट्स को कवर अप कर देता हूं। तो ओरोजेनिक प्रोसेस होता है बिल्डिंग माउंटेन्स, और एपियोरोजेनिक प्रोसेस होता है अपलिफ्ट ऑफ लैंड मास। अब लास्ट वीडियोस में अगर आपने लास्ट चैप्टर्स में जब पढ़ा होगा, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था प्लेट टेक्नोटोनिक्स के बारे में और लैंड फॉर्मेशंस के बारे में, हमने गोंडवाना लैंड वगैरह के बारे में पढ़ा था ना हमने, तो प्लेट टेक्नोटोनिक्स क्या होती है, जब दो प्लेट से टकराती है तो कुछ सबडक्ट कर जाती है या फिर क्या होता है माउंटेन्स बनाती है। याद करिए पढ़ा था ना, कुछ डाइवर्जेंट होती है, कोई कन्वर्जेंट हो जाती है, कोई सरपास कर जाती है, तो उसी के चलते हुए क्या होता है, तो ओरोजेनिक प्रोसेस क्या होता है, जो माउंटेन्स बनाती है, ठीक है, उसको हम डायट्रोफिज्म में कहते हैं। अगला आता है एपियोजेनिक प्रोसेस, अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंड मास, यानी कि सिर्फ माउंटेन नहीं बनाएगा, बड़ा सा एक लैंड मास बना देगा, उसको हम बोलते हैं एपियोजेनिक प्रोसेस, ठीक। और उसके बाद आता है अर्थक्वेक, अर्थक्वेक यानी कि माइनर मूवमेंट होता है, वो तो हम लोगों ने पढ़ा था। और अगला आता है प्लेट टेक्नोटोनिक्स, यानी कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ क्रस्टल प्लेट, यानी कि जो प्लेट्स मूव करती है किस पे, मॉल्टन मैग्मा पे, तो मॉल्टन मैग्मा है वो खोल रहा है, हीट जनरेट कर रहा है, तो उससे क्या होता है मूवमेंट हो रहा है प्लेट्स में, तो प्लेट्स टकरा रही है या पीछे जा रही है, तो उससे क्या हो रहा है, अगर मान लीजिए प्लेट इस तरीके से आएगी सबडक्ट कर गई नीचे या फिर माउंटेन्स बना गई, तो वो सारी डिटेल में मैंने अलग अलग चीजों से पढ़ाया था उस चैप्टर में, वहां से आप लोग वो भी देखना चाहे तो देख सकते हैं। तो ये होता है डायट्रोफिज्म, ये चार प्रोसेस के चलते हुए इस तरीके से एंडोजेनिक प्रोसेस काम करता है। उसके बाद आता है हमारा फॉल्टिंग और फ्रैक्चरिंग ऑफ क्रस्ट कॉजेस प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर इंड्यूस मेटामॉर्फिक ऑफ रॉक्स। तो इन सारे प्रोसेस के चलते हुए क्या होता है, फॉल्ट बनते हैं, फ्रैक्चर आता है किसमें, क्रस्ट में, और जिसकी वजह से प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर ये सारी चीजें प्रोड्यूस होती हैं, और जिससे क्या होता है हमारा मेटामॉर्फिज्म ऑफ रॉक्स, यानी कि वो पढ़ाया था मैंने रॉक्स में, रॉक जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है, वो कैसे बनती है, हीट होता है, सारी चीजें उसमें हीट जनरेट हो रही है, वाटर, विंड, ये तो क्या एक्सटीरियर फोर्सेज होगी, जो इंटीरियर फोर्सेज के चलते हुए जब खोलता हुआ मैग्मा बाहर निकलेगा तो ठंडा होगा, तो क्या होगा, वो रॉक बनेगा ना, तो वो ये मेटामॉर्फिज्म यानी कि रॉक बनेगा, तो मेटामॉर्फिज्म रॉक होगा, तो इसको प्रोसेस को हम बोलते हैं। तो इन सारे प्रोसेस को चलते हुए हमने क्या जाना, तो बेसिकली एंडोजेनिक प्रोसेस क्या था, इंटीरियर प्रेशर जो है, इंटीरियर फोर्सेस जो काम कर रही हैं उसके चलते हुए क्या हो रहा है, क्रस्टल क्रस्ट जो है हमारी उसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो कहीं माउंटेन बन रहे हैं, कहीं लैंडमार्क्स बन रहे हैं, और इन्हीं सब के चलते हुए रॉक्स का भी फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये होता है हमारा एंडोजेनिक प्रोसेस। और इसका फिर दूसरा पार्ट आता है, ये तो डायट्रोफिज्म था, दूसरा था वॉल्केनिज्म। तो वॉल्केनो तो मैंने लास्ट चैप्टर जो थे उसमें बहुत अच्छे से समझाया वॉल्केनो क्या होता है। वॉल्केनिज्म मतलब जो प्रक्रिया है पूरी वॉल्केनो से बाहर निकलने की, उसको हम वॉल्केनिज्म कहते हैं। और वॉल्केनो यानी कि एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो होता है। सो मूवमेंट ऑफ मोल्टन मैग्मा फ्रॉम इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स, यानी कि जो मोल्टन मैग्मा बाहर निकलता है तो देखा था इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक्स बनती है, यानी कि अंदर कुछ रह जाती है, कुछ बाहर निकल जाती है, तो बेसिकली क्या होता है, रॉक फॉर्मेशन होता है। तो ये जो टॉपिक था, ये जो एंडोजेनिक प्रोसेस का टॉपिक था, इसको एक बार मैं सिंपल एंड स्ट्रेट में बता देता हूं कि जो अर्थ के अंदर इंटीरियर से जो मूवमेंट होता है, जो एनर्जी रिलीज होती है, तो उससे क्या बनता है, उससे क्रस्टल लैंड का फॉर्मेशन होता है, उससे रॉक्स बनती है। तो बेसिकली क्या है कि ये क्या कर रहा है, फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है, लैंड का हो गया, माउंटेन्स का हो गया, प्लेट्यूज का हो गया, और उसके अलावा लास्ट में अगर मोल्टन मैग्मा वॉल्केनो से निकलकर बाहर आता है, जो पहला वाला पार्ट है वो तो डायट्रोफिज्म में आता है, और सेकंड वाला पार्ट हो गया वॉल्केनिज्म, यानी कि जब वॉल्केनो से निकल के बाहर आता है इस तरीके से, जैसे ये वॉल्केनो है, ये वॉल्केनो है हमारा, तो वॉल्केनो से लावा निकल के ऐसे बाहर आएगा तो क्या करेगा, लैंड मासेस बनाएगा, माउंटेन्स बनाएगा ये भी, या फिर ये बड़े बड़े अलग अलग तरीके के वॉल्केनो लैंड तरीके से बनाएगा,
तो ये था हमारा टॉपिक जिसमें मैंने एंडोजेनिक प्रोसेस के बारे में आपको बताया कि किस तरीके से फॉर्मेशन होता है क्रस्टल अर्थ में। तो यही था मेरा टॉपिक। अब अगली टॉपिक से हम लोग पढ़ेंगे किसके, एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में। ये था एंडोजेनिक फोर्सेस यानी इंटीरियर फोर्सेस किस तरह से काम कर रही है और क्या फॉर्मेशन कर रही है। लास्ट वीडियो में मैंने ये भी बताया था आपको कि एंडोजेनिक फोर्सेस जो होती है वो फॉर्मेशन का काम करती है, एक्सोजेनिक फोर्सेस जो होती है वो डिस्ट्रक्शन का काम करती है और चीजों को ब्रेक करेंगी, तोड़ेंगी। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन वाला पार्ट था। अब अगला हम पढ़ेंगे डिस्ट्रक्शन वाला पार्ट कि किस तरीके से डिस्ट्रक्शन आते हैं, वो सारी चीजें हम जानेंगे अगली वीडियोस में। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आने वाले समय में आपको और इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।